हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए कॉन्सेप्ट ज्ञान चैनल। मैं कुलदीप झा। आज का मेरा टॉपिक है यूज ऑफ ओपन लाइन आइटम इन एसएपी। तो आज के वीडियो में आप सीखेंगे कि वेंडर, कस्टमर एंड जीएल का ओपन लाइन आइटम का यूज क्या है एसएफ में, और ओपन लाइन आइटम क्या क्या मैनेज करते हैं, उसको हम कैसे क्या क्या रिपोर्ट उसमें बना सकते हैं, इसी के बारे में आज का वीडियो है। तो आगे बढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आज का वीडियो आपको पसंद है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें और वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। तो चलिए, ओपन लाइन आइटम का जो है एसएपी में यूज किया है। तो ओपन लाइन आइटम मीन्स अनफिनिश्ड ट्रांजेक्शन, ऐसा ट्रांजेक्शन जो पेमेंट के लिए पेंडिंग है ओपन लाइन आइटम में, या इनवॉइसिंग के लिए पेंडिंग है। यही दो रीजन हो सकता है। तो इसी के बारे में वीडियो है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ओपन आइटम जो है आपको एसएपी में जो है तीन जगह मिलेंगे। पहला जो है एक कस्टमर का ओपन लाइन आइटम है, दूसरा जो है वेंडर का ओपन लाइन आइटम है, और तीसरा जीएल का ओपन लाइन आइटम है। तो अब इसी के बारे में हम बात करेंगे कि इसका यूज क्या है एसएपी। तो चलिए एक बार मैं आपको ये ओपन लाइन आइटम कैसे यूज करते हैं इसके बारे में आपको नॉलेज दे दूं। देखिए, कस्टमर लाइन ओपन आइटम जो है उसमें सबसे पहले हर कंपनी हर कस्टमर के लिए एक कोड क्रिएट करके रखती है। वो कोड आपको यहाँ पे डालना है, फिर आपको कंपनी कोड डालना है, फिर नेक्स्ट जो है ओपन आइटम आपको सिलेक्ट करना है। फिर उसमें आप डेट बाय डिफॉल्ट करेंट रहता है, आप आगे पीछे डेट भी चेंज कर सकते हैं, और फिर एग्जीक्यूट करना है या F8 की दबाना है, फिर आपका वो कस्टमर का ओपन लाइन आइटम डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देखना है तो यहाँ पे देखिए जीएल जो है स्पेशल जीएल को टिक करना है, फिर नॉर्मल आइटम नहीं लेना है तो नॉर्मल लाइन आइटम को हटा देना है, या दोनों साथ में लेना है तो फिर टिक कर देना है। तो आप और फिर एग्जीक्यूट करेंगे और F8 की दबाएंगे तो फिर आपका जो है रिपोर्ट डिस्प्ले हो जाएगा। फिर ठीक उसी तरह से वेंडर का भी जो है हर कंपनी हर वेंडर के लिए एक कोड क्रिएट करके रखती है। तो जिस वेंडर का आपको ओपन लाइन आइटम निकालना है उस वेंडर का आपको कोड डालना है, फिर कंपनी कोड डालना है, फिर ओपन आइटम को सिलेक्ट करना है, फिर जाके आपको जो है उसमें डेट डालना है, बाय डिफॉल्ट करंट रहता है। ठीक उसी तरह से जीएल, तो यहाँ पे जीएल में जो है आपको बैंक का यहाँ पे कोड लिखना है, फिर कंपनी कोड जो है वो लिखना है, फिर आपको जो है ओपन आइटम सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे डेट डालना है या बाय डिफॉल्ट करेंट रहता है। इसी तरह से आपको जितने जीएल का आपको जिस भी जीएल का है केवल यहाँ पे कोड डालेंगे, चाहे बैंक जीएल हो, कैश जीएल हो, या कोई पेवल का जीएल हो, वो सारे आप जीएल डाल के यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे, F8 की दबाएंगे, आपका डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पे। तो इस तरह से आप ओपन आइटम डाटा एसएपी में निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ओपन आइटम जो है सो कंपनी का एसेट्स है को मैनेज करते हैं, लाइबिलिटी को मैनेज करते हैं, जीएल को मैनेज करता है, पेरोल को मैनेज करते हैं, ऑल वेंडर का डाटा मैनेज करता है, उसके बाद ऑल कस्टमर का करता है, बैंक का करता है, उसके बाद पेबल एडवांस एक्सपेंसेस ये सारे को जो है ओपन आइटम मैनेज करता है। तो आगे बढ़ते हैं। ओपन आइटम क्लियर इक्वल टू जीरो बैलेंस। अब देखिए ये क्या होता है, ओपन आइटम में आपका वो ट्रांजेक्शन तब तक ओपन आइटम में रहता है जब तक जो है उस ट्रांजेक्शन का वैल्यू जीरो नहीं हो जाता है। अब देखिए, फॉर एग्जांपल अगर कस्टमर है, कस्टमर का जो है आपने बिल किया, अब कस्टमर को बिल किया तो वो कस्टमर से जब तक पेमेंट नहीं आएगा तब तक उसका जीरो वैल्यू नहीं होगा। तो जब पेमेंट आ जाएगा तो उसका वैल्यू जीरो होगा, उसके बाद ही वो ट्रांजेक्शन क्लोज होगा। ठीक उसी तरह से वेंडर जो है, वेंडर ने कंपनी को बिल किया और कंपनी जब तक उसको पे नहीं करेगा वेंडर को तब तक जो है वैल्यू जीरो नहीं होगा, जिस कारण वो ट्रांजेक्शन जो है
सो वहां पे ओपन आइटम में पेंडिंग में दिखाएगा, तो वो सारे के सारे क्या होता है, अनफिनिश ट्रांजेक्शन होता है और पेंडिंग फॉर पेमेंट के लिए पेंडिंग होता है या पेंडिंग फॉर इनवॉइसिंग के लिए। फिर आगे जो है चेक पेंडिंग एआर एसडी और एडवांस। तो देखिए हम जो है ओपन आइटम में क्या क्या चेक कर सकते हैं, तो पहला जो है अगर कस्टमर का है तो कस्टमर का एआर का क्या पेंडिंग है, कस्टमर का सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना दिया है कंपनी को, कस्टमर ने एडवांस कितना दिया है कंपनी को, ये डाटा आप चेक कर सकते हैं एसएपी में ओपन आइटम में। उसके बाद ठीक उसी तरह से वेंडर का जो है, सो वेंडर का कितना इनवॉइस हुआ है जो पेंडिंग है पेमेंट के लिए कंपनी तरफ से, उसके बाद वेंडर को कंपनी ने कितना एडवांस दिया है वो आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये तीनों चीज आप चेक कर सकते हैं ओपन आइटम में, पेंडिंग फॉर क्लियरिंग एंड पेमेंट। अब देखिए ओपन आइटम में जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो दो रीजन हो सकता है, या तो वो पेंडिंग क्लियरिंग तब तक नहीं होगा जब तक उस इनवॉइस वैल्यू का आपको पेमेंट नहीं मिल जाता है। कस्टमर है तो कस्टमर सो कंपनी को मिलेगा, अगर वेंडर है तो कंपनी वेंडर को पे करी, तो जब तक वो पेमेंट नहीं है तब तक वो ओपन आइटम में पेंडिंग में दिखाएगा और पेमेंट रिसीव हो जाएगी, फिर पेंडिंग से वो हट जाएगा। या ये हो सकता है कि कस्टमर ने पेमेंट एडवांस में दे दिया और कंपनी ने अभी तक इनवॉइस रेज नहीं किया है, तो वो इनवॉइस के लिए भी पेंडिंग हो सकता है। तो इट मीन्स ये हुआ कि दोनों रीजन में वो पेंडिंग में ही शो करेगा, या तो पेंडिंग फॉर पेमेंट है या पेंडिंग फॉर इनवॉइस है, ये दो रीजन हो सकते हैं। अब देखिए और आप क्या ओपन आइटम में कर सकते हैं, तो तीन काम और कर सकते हैं, जीएल रिपोर्ट बना सकते हैं, जीएल का डाटा आप डाउनलोड कर सकते हैं, रिकॉन्सिलेशन कर सकते हैं। अब देखिए रिकॉन्सिलेशन क्या होता है, अब जैसे अगर कंपनी ने कहा किसी कस्टमर को कि आपका जो है सो 75,000 पेमेंट पेंडिंग है जो आप पे करें, लेकिन कस्टमर कहता है कि नहीं हमारा तो है 50,000 का ही पेंडिंग है, 10 इनवॉइस पेंडिंग है, कंपनी कहता है नहीं आपका 15 इनवॉइस पेंडिंग है, तो आप उस टाइम में आपको क्या करना होता है, तो उनसे स्टेटमेंट लेके और आप अपना ओपन आइटम का रिपोर्ट बना के और फिर उसको रिकॉन्साइल करके उनको बताएंगे कि देखिए ये इनवॉइस का हमारा सारे आप पेंडिंग है जो आपको पे करना है, तो आप रिकॉन्सिलेशन कर सकते हैं ओपन आइटम के थ्रू। ठीक उसी तरह से अगर स्टेटमेंट बनाना है तो उसी ओपन आइटम का पेंडिंग का स्टेटमेंट आप बना सकते हैं ओपन आइटम को, चाहे वेंडर का हो या कस्टमर का हो आप बना सकते हैं उसमें, फिर वो रिपोर्ट बना के आपको जो मैनेजमेंट को अगर चाहिए तो उनको शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये तीन काम भी आप ओपन आइटम के थ्रू कर सकते हैं। फिर जो है देखिए ओपन आइटम जो है वो लास्ट स्टेप जो है सो पोस्टिंग डॉक्यूमेंट का है। अब फॉर एग्जांपल अगर 1,000 का ट्रांजेक्शन आपने कस्टमर को बिल किया हुआ है, कस्टमर से जब तक पेमेंट नहीं होगा तब तक इस स्टेप पे पड़ा हुआ है, ओपन आइटम में पड़ा हुआ है, जब कंपनी पे कर देगी तो फिर क्या करेंगे आप यहाँ से नॉकिंग ऑफ करके, इसी को क्लियरिंग भी बोलते हैं, क्लियर करके इस ट्रांजेक्शन को आप क्लोज कर देंगे और क्लियरिंग में पोस्ट कर देंगे, इट मीन्स ये ट्रांजेक्शन क्लोज हो गया। तो ये एक तरह से वेंडर का या कस्टमर का या जीएल का ओपन लाइन आइटम जो है सो लास्ट स्टेप है, इसके बाद ट्रांजेक्शन क्लोज हो जाता है। तो आज का वीडियो अब हम यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ में। थैंक यू।